सीएसई ऑर्गेनाइजेशन के सीएसई एडवेंचर विलेज जो कि रामटेक में है, यहाँ पर अमोल खंते जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इस एक ही विलेज में उन्होंने सारा एडवेंचर कॉम्पैक्ट करके रखा हुआ है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं अमोल खंते इनसे और जानते हैं कैसा रहा उनका सफर बिजनेस का, जीरो से हीरो तक का। मिस्टर अमोल खंते, ओनर सीएसई ऑलराउंडर नागपुर। आज मध्य भारत में अमोल खंते जी अपने सीएसई ऑलराउंडर से पूरे भारत से आने वाले पर्यटकों का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरों का तथा सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा उठा चुके हैं। रामटेक, हिमालय, शिमला, लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली, इन जगहों पर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराट्रूपिंग, माउंटेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, एयर बलून, राइफल शूटिंग, आर्चरी, कैंपेनिंग और भी बहुत सारे खेलों और एक्टिविटीज से लोगों के जीवन में मिसिंग एडवेंचर को वे वापस लौटा रहे हैं। बच्चों में साहस, पर्यावरण के प्रति प्रेम, मैत्री भावना, टीम वर्क, देश प्रेम जगाने का काम भी मिस्टर अमोल खंते बखूबी निभा रहे हैं। दर्शकों, आइए बातचीत शुरू करते हैं अमोल खंते इनसे। सर, आपके सीएसई एडवेंचर जो कि आपका बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है वहाँ पर आप अभी हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं आप यहाँ तक भारत में, सेंट्रल इंडिया में। आज बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं रामटेक में, रामटेक का एक प्रकार से विकास कह सकते हैं टूरिज्म का आप कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आपका रोल है उसमें। पर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, क्या इन्हीं ऐसे किसी एक हिल स्टेशन पर बीता? हाँ, जैसे आप यहाँ पर ये पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के बीच रह के मैं बड़ा हुआ। आपने बुल्ढाना का नाम सुना होगा जो नागपुर के पास ही, नागपुर के पास, नागपुर से 350 किलोमीटर पर बुल्ढाना अजंता रेंजेस में बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और ब्रिटिशर्स के ज़माने का वो हिल स्टेशन था। ऊपर है, हिल पर है, हिल पर किसी भी डायरेक्शन में आप 1-2 किलोमीटर चले जाओ तो आपको ऐसी वादियाँ दिख जाएगी। जी हाँ, पहाड़ निसर्ग के पास आप आ सकते हैं, प्रकृति के पास आ सकते हैं, वहाँ पर बचपन बिताया मेरा। तो फिर आपके परिवार में कौन कौन था सर? परिवार में तो हमारे पिताजी का, तो हम जब छोटे थे तभी देहांत हुआ था, तो हमारी माता जी है, मेरा भाई है छोटा एक, तो आप तीन ही लोग थे जहाँ तक पिताजी के जाने के बाद। तो पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी नगर परिषद जो वहाँ के म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें फूड एंड हेल्थ इंस्पेक्टर करते हैं। चलिए, फिर माता जी ने उनका जॉब संभाला कि कुछ? हाँ, उनका भी जॉब संभाला और एज अ पिता करके हमारे लिए भी जो कोई दोनों रोल उन्होंने बखूबी निभाए जहाँ तक। तो फिर मम्मी कैसी थी, स्ट्रिक्ट थी आपकी, कि बचपन में क्या था, बॉन्डिंग कैसी थी माता जी के साथ, आपके भाई के साथ छोटे? बॉन्डिंग तो मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं थी बिल्कुल भी, उसने हर चीज़ अलाउ की जो मैं करना चाहता था। अच्छा। लाइफ में हर चीज़ अलाउ की, जो भी आप बचपन में भी, आपको फ्रीडम था सारा, पूरा फ्रीडम था। ड्रामाज में काम करते थे, कल्चरल प्रोग्राम में काम करते थे, गांव में जाते तो जंगल में घूमने जाया करते थे, मतलब जो भी मर्जी हो सब करो। सब पढ़ाई सब में भी एकदम स्ट्रिक्ट थी कि पढ़ो ऐसा कुछ? पढ़ो करके भी बोलती थी, पढ़ाई में भी मैं ठीक था, मतलब स्कॉलरशिप। दोनों भाई, आपके भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी? भाई के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी थी, मेरे से 1 साल ही छोटा है वो, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ थी। चलिए, मतलब परिवार एक प्रकार से आपका ठीक ही था पिता के जाने के बाद भी। मम्मी ने बहुत अच्छा संभाले, बखूबी एक रोल निभाया माता पिता दोनों का, आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी माता जी ने आपको, बिल्कुल। पढ़ाई में फिर आपने जहाँ तक स्कूलिंग कहाँ की, बुल्ढाना में? स्कूलिंग मैंने बुल्ढाना में की, 12th तक मैंने वहाँ पर बुल्ढाना में मेरी स्कूलिंग हुई, एडेड हाई स्कूल नाम की, बहुत अच्छी स्कूल है वहाँ की, वहाँ मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने नागपुर में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ है वहाँ से LLB करने के लिए मैं यहाँ पर आया था नागपुर बेसिकली। फिर आप एक प्रकार से एक अपना क्षेत्र छोड़कर आप यहाँ नागपुर आए, तो फिर कहाँ रहते थे, यहाँ पर रहना खाना कैसा, फिर खर्चा कैसे चलता था? खर्चा तो मम्मी भेजती थी शुरुआत में तो पैसे, उसके बाद मैं छोटे मोटे कहीं काम करता था,
जब पढ़ता था कॉलेज में। तो क्या काम, मतलब थोड़े वो जैसे बता पाए तो? मैं अलग अलग तरह के बहुत काम किए मैंने। मैं ये प्रिटी होम वगैरह जो एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें कभी काम करने जाता था। एग्जीक्यूटिव करके आप काम? एग्जीक्यूटिव करके। चलिए, मतलब एक प्रकार से आप अपने पढ़ाई को भी थोड़ा आप सपोर्ट कर रहे थे कि मम्मी को उतना लोड ना देना पड़े आपको। ORG मार्ग जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था उसमें भी मैं सर्वेयर करके काम किया करता था। चलिए, मतलब पढ़ाई करते करते भी आप ये सारी चीजें करते थे। तो फिर सर, आज आप यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क चला रहे हैं, तो आपके जीवन के एडवेंचर की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से जैसे आप रहे माउंटेन रेंज में? बचपन में बेसिकली जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी ऐसे पहाड़ थे, और वहाँ पर गाँव में क्या है कि कोई ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऐसी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। एक तो आप ग्राउंड में खेलो या तो तालाब में तैरने के लिए जाओ, वहाँ पर पकड़ने के लिए जाओ, मछली पकड़ने के लिए जाओ, तो वो एक रिक्रिएशन। आज भी अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव के बच्चों का रिक्रिएशन यही होता है। तो बुल्ढाना जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो कहीं भी 2-3 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको ऐसी पहाड़ियाँ मिलेगी। ऐसे ही जंगल में घूमना है, पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना है, तो वो मैं बचपन से करता आया और उसको एडवेंचर बोलते हैं। ये मुझे नागपुर में आके पता चला कि इन एक्टिविटीज को एडवेंचर बोलते हैं। आप बचपन से करते थे, उसे एडवेंचर करके देखा जाता है, ये आपको यहाँ आके पता चला। उसके बाद मैंने NCC में यहाँ पर एंट्री ली नागपुर में इंजीनियर्स कंपनी में। तो NCC में काफी कुछ एडवेंचर कैंप्स मैंने किए, NCC में सीखने मिले। तो कहाँ कहाँ कैंप्स लगते थे NCC के उस वक्त? NCC के कैंप्स उस वक्त नागपुर के आसपास लगते थे, गोरेवाड़ा लेक के पास लगते थे, CRPF में लगते थे, वहाँ पर काफ़ी अनुभव हमने लिया। पैरासेलिंग के कैंप उनके NAF के साथ टाइप में लगते थे, तब मैं NAF नाम का एक क्लब जो है उसके साथ संपर्क में आया, फिर मैंने उनके साथ कुछ साल काम किया और वहाँ पर मैंने काफ़ी एडवेंचर दुनिया देखी। आपने एक प्रकार से आप LLB कर चुके हैं जी, बहुत से आप एक्सपीरियंसेस ले चुके थे, तो फिर कहाँ से जहन में आपके आ गया कि मुझे भी इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक व्यवसाय के रूप में ले जाना चाहिए? व्यवसाय नहीं, मैं करता ही बेसिकली इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक टाइम ऐसा था कि जब NCC में था तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा, तो वो पूरा लाइफ जो था वो एंगल ही वो था कि बस आर्मी ऑफिसर बनना है, उसी के सपने आते थे तब। उसके लिए तैयारी मैं करता था और फिट रहने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। ये उसकी तैयारी भी होती रही और मैं बॉडी फिट भी रहे, बॉडी भी फिट रहे, और प्लस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सपने का एक प्रकार से जो आप मैं बहुत उसके लिए कोशिश कर रहा था और मेरा एक इसमें सिलेक्शन भी हो गया था। एक बार मैं SSB इंटरव्यू दिया था तो उसे मेडिकल तक गया था, मतलब स्क्रीनिंग जो इनिशियल रहता है वो क्रॉस करके। उसी साल एक ऐसा चैलेंज आया लाइफ में कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं एक कहीं से ऊपर से गिर गया था नीचे, मतलब क्लाइंबिंग के वक्त जो रोप लगता है सेफ्टी रोप, हाँ। तो वो सेफ्टी रोप खोलने की जिम्मेदारी मेरे पे थी, तो मैं वो रोप आखिर में किया जाता है, हाँ, जो सबसे आखिरी में किया जाता है, वाइंड अप चल रहा था, तो वो रैपलिंग नाम की एक्टिविटी थी और वो रोप खोलने के लिए मैं गया ऊपर। और ऐसे ही दिन थे, जून के ही दिन थे, थोड़ी बारिश हो चुकी थी, तो रोज जहाँ से मैं जाना आना करता था मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा निग्लिजेंस था मेरा कि मैं रूटीन में आने की देखा और गिर गया ऊपर से। कितनी तो हाइट थी जहाँ से आप गिरे? लगभग 31 फीट होगी हाइट, काफ़ी जोर से गिरा था, काफ़ी हाइट थी। पाँव फ्रैक्चर हो गया था, एंकल, एक थंब डिसलोकेट हो गया था, एक बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था L2 में। कितने दिन आप मतलब ये बेड पे था? 5 months लगभग लगे। जहाँ तक तो आप फिजिकली अनफिट उसके बाद कोशिश कर दिए गए? अनफिट हाँ बोल सकते हैं, अभी जब सर्विसेज के लिए जी हाँ, बैकबोन वगैरह की इंजरी जो रहती है वो जनरली बहुत ज़्यादा उसको समय लेती है और वो आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करने देती। पर मैं लकी था कि वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भर ही उतना मुझे लर्निंग भी हुआ कि लाइक थोड़ा ध्यान रखना इसके बाद में, और प्लस वो एक सीख भी आपको मिल गई कह सकते हैं, जिस तरह से आप अगली बार के लिए अलर्ट हो गए कि मुझे ऐसी चीजों से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है पूरी तरह से अलर्ट। फिर उसके बाद शायद फिर आपने सोचा होगा कि अभी मुझे सिर्फ एडवेंचर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से आप हाँ बेसिकली दोस्तों का घर वालों का तो ये था कि अभी ये चीज नहीं करना है, क्योंकि तब तक उनको पता ही नहीं था कि मैं एग्जैक्टली करता क्या। अच्छा, मतलब माता जी को आपको पता ही नहीं था? तो उन्होंने बोला कि अभी ये चीज जो हुई है तेरे साथ ये छोड़ के जो करना है वो कर, तू LLB है, तू लॉ की प्रैक्टिस कर या कोई और जॉब ले ले या कुछ भी कर, पर ये नहीं करने का। माझ्या मुलांनी हे जे ॲडव्हेंचरचं काम स्वीकारलेलं आहे यात मी यांना खूप प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि आज ते म्हणजे अति म्हणजे वरच्या शिखरावर पोहोचत आहे आणि अजून पोहोचणार आहेत, त्या कामाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे। आज आमच्या घरातले सर्वच जण हे काम इथे बघतात आहे, त्यात माझ्या दोन्ही सुना, माझे दोन्ही मुलं,
आणि अजून आमच्याकडे जी काम करणारी टीम आहे हे सगळेजण आम्हाला याच्यामध्ये अत्यंत म्हणजे चांगल्या रीतीने काम करत आहेत. अमोल की हर चीज में ॲडव्हेंचर आहे, तो शादी में क्यों ना होता. तो मैं अमोल की वाइफ हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ और बस एडवेंचर वाली पूरी ज़िंदगी है हमारी. शुरू में काफ़ी मुश्किलें आई जब नया नया ये प्रोफेशन में हॉबी टर्न प्रोफेशन जो अमोल ने किया कि मैं अब इस हॉबी को अपने प्रोफेशन में भी बदलूँगा. और तब शुरुआती जो दौर था काफ़ी मुश्किल था, बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे उनका साथ छोड़ना चाहिए या वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं. मैं उनके एज अ पर्सन उनके काम को और उनके डेडिकेशन को उनकी ऑनेस्टी को सल्यूट करती हूँ. और मेरी लाइफ में आज तक मैंने अपने ही प्रोफेशन से इतना ऑनेस्ट इंसान कोई भी नहीं देखा है. तो मैंने बोला कि ऐसा एक्सीडेंट के बाद अगर रुक जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा उसमें ना, तो थोड़ा सा कुछ तो भी कर लेता हूँ और फिर लगे तो आप बोलेंगे वैसा छोड़ दो. फिर आपने फिर वो सोचा कि अभी एडवेंचर. हाँ, फिर बोला अभी तो फिर शुरू करना कुछ ना कुछ तो करेंगे एटलीस्ट जो एक, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा जब आपको कोई ट्रॉमा आता है तो एक निगेटिव फीलिंग भी आपके मन में आ जाती है, आपके बारे में लोग भी सोचते हैं कि गिर गया होगा तो जरूर इसी ने कुछ किया होगा टाइप में रहता है. तो इसी की गलती होगी. हाँ, वो प्रूव करने के चक्कर में कि लाइक मैं गलत नहीं था या एक एक्सीडेंट है नॉर्मल, तो मैंने कुछ और इसमें आगे बढ़ने का डिसीजन लिया. और काफ़ी उसके बाद मैंने स्पीड बढ़ाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ मैं काम करता था NAF नाम का वो क्लब था, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया. बाद में 2 सालों में हमने उस क्लब को ऑल इंडिया में नंबर 1 पे पहुंचाया. क्या बात है. और उसके बाद फिर ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर किया जाए. तो उसी के बाद शायद CSE एडवेंचर आपने सोचा कि हाँ जी, हाँ जी. तो जानूंगा वो कैसे आपने CSE एडवेंचर शुरू किया और किस प्रकार से आप उसे एक नए मुकाम तक ले आए, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो आप जो कैंप्स खुद जब आपने लेना शुरू किया तो कब से शुरू किया अंदाजन, पहले कैंप अगर आपने लिया हो कहीं भी ऐसा प्रोग्राम अगर देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने 95 में पहला कैंप मेरा किया जो एक रॉक क्लाइंबिंग का प्रोग्राम था अंबोरा. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में. हम बातचीत अभी भी कर रहे हैं अमोल खंते इनसे. सर, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे आपने हमें बताया कि किस प्रकार से फैमिली आपकी रही, आप पढ़े बढ़े बुल्ढाना से आप स्कूलिंग करके नागपुर आए, LLB किया, उसी के साथ साथ आप NCC से जुड़े जिससे आप बाद में और भी एक संस्थाओं से जुड़े जो कि आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं उससे उन्होंने आपका लगाव जो था वो बढ़ाया. पर आपने इसका प्रशिक्षण या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट फुल्ली कि इसे करियर या फिर बशर्ते कह सकते हैं कि एडवेंचर करके देखा जा सकता है, या आपने कब से सोचना शुरू किया? करियर तो इसमें मैं काफ़ी लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था पहले भी. तो एक पैशन तो अपना था ही, और उस फील्ड में लोग प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल है. दुनिया भर के लोग, ट्रैवल काफ़ी करता था मैं पहले से ही, तो ट्रैवल जहाँ जहाँ भी करता था तो इस फील्ड के लोगों को देखता था जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिन्होंने अपना कुछ मार्ग बना लिया है, मुकाम बनाया है, ऐसे लोगों को देखता था. तो ये तो विश्वास हो गया था पहले ही कि हाँ इसमें दम है करके, नहीं कुछ ना कुछ तो इसमें भी कुछ खास बात है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. और जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी, जिस तरह से सबसे अप्रिसिएशन मिल रहा था, जिस तरह से फीडबैक आता था, जो पार्टिसिपेंट थे जिनसे जिनके लिए काम करते थे वो जिस तरह से उसको अप्रिशिएट करते थे. तो आप जो कैंप्स खुद जब आपने लेना शुरू किया तो कब से शुरू किया अंदाजन, पहले कैंप अगर आपने लिया हो कहीं भी NCC बोलिए या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलिए. मैंने अपने लिए ऑफिशियली ऐसे ट्रेनिंग, मतलब ऐसा प्रोग्राम अगर देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने 95 में पहला कैंप मेरा किया जो एक रॉक क्लाइंबिंग का प्रोग्राम था अंबोरा में. अच्छा. और वो एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उनका एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, और NAF नाम का जो क्लब है उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था. वहीं से एक कैंप की ट्रेनिंग का कोलैबोरेशन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था. तो आपने उसमें क्या काम किया था? उसमें मैंने ट्रेनिंग लिया था खुद उन चीज़ों का कि क्या है क्लाइंबिंग, होल्ड क्या है, इक्विपमेंट क्या है, नॉट्स क्या है. उसके बाद मैंने पैरासीलिंग का एक ट्रेनिंग कोर्स किया. उसके बाद मैंने बेसिक माउंटेन पैरासीलिंग. आपने कहाँ से किया कोर्स? पैरासीलिंग का भी कोर्स में जब NCC में था तो उसी दौरान मैंने वो NAF से एक कोर्स किया पैरासीलिंग का. कहाँ पर सीखे आप? यहाँ पर गोंडखैरी नाम की जगह है नागपुर के पास, तब यहाँ पर वो कंडक्ट होता था प्रोग्राम. चलिए, अभी भी वहाँ ट्रेनिंग सेशन होते हैं? अभी भी होते हैं, बहुत बार बीच बीच में. और पैरासीलिंग के बाद और चीज़ें आपने कहाँ सीखी? उसके बाद हमने मैंने माउंटेनियरिंग का एक जो बेसिक कोर्स होता है वो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में होता है. तो 28 डेज का वो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है,
वो एक कोर्स किया, उसके बाद मैंने मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी थोड़ा सा, क्योंकि डाइवर्ट अभी हो ही रहा था, हाँ LLB आप और रहा अलग हाँ, चुन ही चुके थे तो अभी इसमें जाना है तो इस क्षेत्र की बारीकियां सीखनी थी नेचुरली। कोई भी पूछता था कि आपका एजुकेशन का हुआ है, जब LLB बोलते थे तो बोलते थे अच्छा शायद प्रैक्टिस चली नहीं होगी शायद इसलिए, ये भी कह सकते हैं लोग दिमाग दौड़ाते रहते दिमाग दौड़ाते रहते। तो फिर बाद में मैंने BPED किया, MPED किया, उसमें PG किया, फिर मैं उसमें बेसिकली PhD करना चाहता था कि ये जो सब्जेक्ट है इसको एक ठीक तरीके से उसमें रिसर्च करके लोगों के सामने लाऊं, स्मार्ट वर्क करना चाहते थे। फिर मैंने देखा कि इसमें साइकोलॉजी का भी काफ़ी पार्ट आ रहा है आगे, तो मैंने साइकोलॉजी में भी ग्रेजुएशन तो फिर CSE एडवेंचर्स, जहाँ तक ये नाम, जहाँ तक ये आप उभार कर ले आए एक ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, इसकी शुरुआत कहाँ से सोची आपको कि ये एक नाम चूज करना चाहिए या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने शुरू करना चाहिए? अब भी तब ऐसा था, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, मतलब जुड़े हुए थे? जब क्लब शुरू किया था तो नेचुरल सी चीज़ है कि हर चीज़ तब हम करना चाहते थे, हमने उसका नाम रखा था ऑलराउंडर, ऑलराउंडर जो हर चीज़ करना चाहता है। पेरेंट्स को भी लगता है कि अपने बच्चे ऑलराउंडर होना चाहिए, हर एक चीज़ करना चाहिए। तब तक ये जो एजुकेशनल एक्सलेंस था, एकेडमिक एक्सलेंस था, उसका बुखार लोगों के मन से धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2004-2005 की, मार्कशीट को इम्पोर्टेंस देना थोड़ा कम हो गया था और बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी पेरेंट्स पुश करना शुरू किए थे। तो नेचुरल सी 2-3 पेरेंट बोलते कि हमारे बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है, छोटा सा बच्चा लेके आते थे और बोलते थे सर इसको ऑलराउंडर बनाना है। अब उनको ही पता नहीं था कि एग्जैक्टली ऑलराउंडर मतलब क्या है। बहुत बार लोगों को एडवेंचर की डेफिनेशन पता नहीं है, हर कोई अपने एक दायरे में सोचता है कि एडवेंचर होता क्या है। तो फिर आपने जो एक सही मायने में एडवेंचर जो आपने ढूंढ निकाला है, तो उसको आपने कोलैबोरेट कैसे किया? एडवेंचर की ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि एडवेंचर है क्या। इवन बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे है आसपास कि जिनको लिखना भी नहीं आता है वो एडवेंचर, अगर लिखने के लिए, क्योंकि नया वर्ड है हमारे लिए, करते हैं बहुत बार पर उसको उसका टर्म किसी को पता नहीं है। एक्चुअली ये एडवेंचर का मतलब है गोइंग बियॉन्ड योर ओन लिमिट्स इन अ पॉजिटिव वे, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करना, नया कुछ वेंचर करना, एडवेंचर नया कुछ वेंचर करना, ये इसका एक बेसिक मीनिंग है। कई नए जगह में जाना, ये भी लोग कई बार उसको इंटरप्रेट करते हैं। तीन तरह के इसके मेन पार्ट है, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, जमीन पर की जाने वाली। तो आप कौन सी मतलब एक्टिविटीज मतलब शुरुआती दौर में आप यहाँ ले आए, रामटेक आपने कैसे चुना फिर? हाँ, ये रामटेक का तो ऐसा था कि यहाँ के साथ साथ हम लोग मैत्रबन एडवेंचर कैंपिंग करके एक जगह है जो मोहगांव झिल्पी तालाब के पास है, वो वहाँ के हमारे जो प्रोजेक्ट पैटर्न है मिस्टर रविंद्र गंधे, एक बहुत बड़े समाजसेवी है और उन्होंने वहाँ पर ज्येष्ठ नागरिकों का निवासी ग्राम बनाया हुआ है और उन ज्येष्ठ वृद्धाश्रम बेसिकली बहुत अलग कंसेप्ट का वो निवासी ग्राम है। तो वहाँ पर रहने वाले जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके आसपास बच्चों की मूवमेंट रहे, उनके कानों पर बच्चों के आवाज़ आए, वहाँ पर बच्चे खेले, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने उनके जो सीनियर सिटीजन का अकोमोडेशन था उसके साथ में हमें एक कैंपिंग साइट बना के दी और वहाँ पर हम काफ़ी कैंप्स लेते हैं। उसके साथ साथ ये जो रामटेक का जो अपॉर्चुनिटी मिला, ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो MTDC डिपार्टमेंट है, इनका एक प्रोजेक्ट था जो यहाँ के रामटेक के जो विधायक है एडवोकेट आशीष जी जायसवाल, उनके इनिशिएटिव से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्प्राउट हो रहा था। उस प्रोजेक्ट जो था कि एक एडवेंचर क्लब, एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू होनी चाहिए ताकि यहाँ के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वो सोर्स बने, यहाँ पर अलग अलग तरह का डेवलपमेंट आए। तो उस समय हमें अब मौका मिल गया इसमें कि हम लोग एक एक्सपर्ट एजेंसी करके हमको इसके लिए चुना गया और हमने तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इक्विपमेंट लेने के लिए हमें फंडिंग अवेलेबल कर दी, प्लस यहाँ पर हमने काफ़ी प्राइवेट लैंड पर ये प्रोग्राम जो है ये बनाया। उसके बाद गवर्नमेंट भी अपना फंड, अपनी लैंड लेके आ गई इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का सक्सेस देख के उन्होंने अपने लैंड पर अपना खर्चा लगा के भी अभी आगे काफ़ी प्लान फ्यूचर वो बना रहे हैं। सर फिर आपकी टीम अभी जो है जी, उसका चुनाव चयन आपने कैसे किया, चुनाव कैसे किया टीम? आप जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ के कई लोकल्स के सपोर्ट से भी आप आ रहे हैं, कुछ एक्सपर्टाइज भी आप लेकर आ रहे हैं, तो ये चयन कैसे हुआ, कहाँ मिले आपको ये सारे लोग? तो है पर लाइक ये जो आज जो भी टीम है मेरे साथ, ये पहले दिन से ये लोग हमारे साथ में हैं और मिलके ये सब चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है। जब शुरुआत में हमने आए तो मतलब मेरा भी एक्सपोजर था वो भी एक लिमिटेड ही था, आज भी बहुत कुछ आगे सीखने जैसा है, तो बाकी लोगों के पास भी एक्सपीरियंस जो था
थोड़ा थोड़ा एक एक फील्ड का एक्सपीरियंस था, तो हमने ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये ट्रेनिंग आपने कहाँ कराई उनकी? अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे, जो मैन पावर अवेलेबल थी, उन मैन पावर को हमने अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग करवाया। और हम लकी रहे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल के गई। हमने आर्मी के साथ बार्टर में ट्रेनिंग करवाए, नेवी के साथ करवाए, जैसे हमारे में से कुछ लोग माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेके आए, तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मनाली का डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट, जो ये जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग लेके आए। कुछ लोग हमारे में से कुछ लोगों ने पैरा ट्रूपिंग, स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग लेके आए, वो भी आर्मी एयरफोर्स के साथ आगरा पैरा ट्रेनिंग स्कूल में, मैंने जैसा आपको बताया। मतलब यहाँ के जो ट्रेनर्स है उन्होंने एक्सपर्ट लोगों से ट्रेनिंग ली है, जबरदस्त सीख कर रहे हैं, सारे सर्टिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है। आज भी जो बेसिकली मतलब मैं तो बहुत बार बैक फ्रंट में रहता हूँ, मतलब सपोर्ट करता हूँ इनको, पर फ्रंट में यही लोग रहते हैं जो आपके, ये फेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, जो मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा कैंप में जाने के बाद, कि ये लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फेस है। ये यंग एनर्जेटिक ट्रेंड वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस केयरिंग लीडर्स है, क्योंकि एडवेंचर में और बाकी खेलों में फ़र्क ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क है। इसमें आपको ऐसे जगह जाना है जहाँ रास्ता नहीं है, ऐसे जो कोई उतरना है कि जहाँ पर लोगों को डर शुरू होता है वहाँ पर आपका काम शुरू होता है। कई बार ऐसा भी हुआ सर कि आपको बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ तक मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ, तो कई बार मैंने भी देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार रोकने की कोशिश की गई किसी ना किसी इसने, पर हर बार आप एक आप अच्छा काम करते हैं, साफ सुथरा काम करते, तो आप हर बार उभर कर आए, तो फिर उसमें उस पीरियड में आपने खुद को कैसे संभाला? अभी ऐसा है कि आपने सबसे पहले तो खुद को समझाना होता है कि आपको कहाँ ध्यान देना है, तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती है। पर शुरुआत से ही मतलब टीम के साथ जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, तकलीफें ऑर्गेनाइजेशन के सामने आई या इंडिविजुअल लेवल पे किसी के ऊपर तकलीफ हुई, कुछ भी हुई, पर हम लोग सब साथ में रहे, सब साथ में रहे, और शो मस्ट गो ऑन, ये हमारा प्रिंसिपल था। सी एस ए ऑलराउंडर एक एडवेंचर इंस्टीट्यूट के साथ साथ अमोल सर जो हमारे मेन इंचार्ज है, डायरेक्टर है, वो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है और एक काफ़ी अच्छे केयरिंग लीडर है। कभी हमें ऐसा महसूस ही नहीं लगा कि हम एक अलग फैमिली के, एक फैमिली के साथ, एक फैमिली जैसा हमें केयर करते हैं। और साथ साथ में बच्चों के लिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट कैंप चलते हैं एडवेंचर के, काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटी कराते हैं, साथ साथ में हमारा एजुकेशन के लिए भी सर सपोर्ट करते हैं, जैसे अर्निंग एंड लर्निंग सर का एक कंसेप्ट जो है हमें काफ़ी आगे तक लेके जा रहा है। हम सब लोग 2005 से सर के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेस हमने कर रखे हैं यहाँ पे, बच्चों को एडवेंचर एक्टिविटीज़ और साथ साथ एडवेंचर ट्रेनिंग बच्चों को करवाते हैं। एज ए लीडर जो होना चाहिए, जैसे सर ने काफ़ी हमारे में चेंजेस लाए, सर ने काफ़ी सराहा, और एज अ फैमिली हम सब लोग साथ में रहते हैं। बाकी जो केयरिंग नेचर उनका है, उस वजह से एक अच्छे लीडर साबित हुए। इस वजह से ये एक्टिविटीज़ करने के लिए जो टीम ज़रूरी होती है, एज ए टीम काफ़ी अच्छा हमारा ये रहा है। चलिए, मतलब चलते रहना है, विरोधकों को इग्नोर करिए और अपना काम पे ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए, वहाँ ज़्यादा हम लोग सुखी रहते हैं। इग्नोर अगर करेंगे, और बेसिकली सबसे बड़ी सजा ही उनको, हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑलरेडी वो डिफीट उनका है, क्योंकि वो बेसिकली हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आप आज रामटेक पे राज कर रहे हैं, और आप ही की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज ज्यादातर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके आप एक नई चीजें लोगों के जीवन में दे रहे हैं। सर, मैं जानूंगा आगे भी आपसे कि सीएसई किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या क्या आप मतलब गेम्स करवाते हैं, सारी चीज स्पोर्ट्स उनको मतलब लुप्त उठाने देते हैं, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिर यहाँ पर कैंपिंग की व्यवस्था है, लोग आकर कैंपिंग है बेसिकली, ये सिंगापुर चेरी का जो प्लांट्स है, इसमें चेरीज लगती है, बहुत मीठी और सीडलेस चेरीज लगती है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत बिजनेस टॉक में। हम बातचीत कर रहे हैं सीएसई ऑलराउंडर के अमोल खंते इनसे। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके परिवार के बारे में जाना, किस प्रकार से आपने इस व्यवसाय को चुना, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक कह सकते हैं या फिर एक्टिविटीज, और उसमें आपने कह सकते हैं तकनीकी तौर पर आपने उसमें सारी बारीकियां सीखी, कोर्सेज सीखे, एक टीम बिल्डअप की एक एरिया चुना जहां आप अपना एक सारे ऑपरेशन या फिर जो एक्टिविटीज़ है वो कर पाएँ, लोगों से आप कैसे जुड़े। सर, पर मैं आप जानना चाहूँगा कि अभी कितने एरिया में रामटेक में आपका विलेज है, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ आप प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पर हमारे पास लगभग 50 एकड़ जगह है,
जिसमें आने वाले दिनों में ये पूरा एडवेंचर विलेज पूरी तरह से जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत अलग अलग तरह के एडवेंचर की फैसिलिटीज़ यहाँ पर होगी। फ़िलहाल यहाँ पर ये जो जिस जगह हम लोग बैठे हुए ये हमारा कैंपिंग साइट है जिसका नाम है चेरी फार्म, और चेरी फार्म में हमने सिंगापुर चेरी के लगभग 150 पेड़ लगाए हुए हैं। हमें एक्चुअली थोड़ा नेचर के प्रति भी काफ़ी लगाव है, पूरी टीम ही आप सभी जहाँ तक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ फार्मिंग होती है यहाँ पर पेड़ों को, या फिर आपने जो कहते हैं नेस्टिंग करके रखी है, हर एक पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था है, हर एक छोटे छोटे पौधे को आपने जोड़ के रखा है, तो फिर यहाँ पर कैंपिंग की व्यवस्था है, लोग आकर कैंपिंग है। बेसिकली ये सिंगापुर चेरी का जो प्लांट्स है इसमें चेरीज लगती है, बहुत मीठी और सीडलेस चेरीज लगती है, और बर्ड्स आते हैं बहुत अलग अलग तरह के, वो चेरीज खाने के लिए, उसके छांव में हम लोग टेंट लगाते हैं तो बच्चों को बर्ड्स दिखते हैं, बर्ड्स के लिए खाने का अरेंजमेंट है, और तो दोनों का मिलाप हो जाता है, मिलाप हो जाता है। प्लस साथ में हमारे पास जो खाली ज़मीन है उसमें हम लोग खेती भी करते हैं काफ़ी। पिछली बार जैसे हमने गेहूं लिया था, काफ़ी यहाँ पर हम गेहूं मिला था, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर हल्दी का एक प्लांट बनाया हुआ है, उसके साथ साथ भिंडी, बैंगन और ये सारी फार्मिंग भी आप कर, सारा फार्मिंग हो रहा है। अभी हम लोगों का आने वाले दिनों में बाजू में हम लोग एक पिज़्ज़ा फार्म बना रहे हैं जिसमें पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट उगाएंगे। हाँ। फार्मिंग के साथ तो बच्चों को लगाव रहा नहीं है, तो पिज़्ज़ा के साथ लेकिन बहुत लगाव बढ़ा। हाँ, पिज़्ज़ा आजकल आज की जो पीढ़ी है उन्हें बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। हाँ जी, तो पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट उगाएंगे, कैप्सिकम, ओरिगैनो है, अलग अलग है, और उसको पिज़्ज़ा के नाम पर आएंगे बच्चे, और खेत के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा काम करेंगे वहाँ पर, मशक्कत करेंगे, कुछ चीजें तोड़ेंगे, तोड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स को जोड़कर, और उसको जोड़ के हम उनको पिज्जा बना के खिलाएंगे। क्या करें, प्राकृतिक पिज्जा जो कह सकते हैं, नेचुरल तुरंत जो बना इंग्रेडिएंट्स है। सर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने सुना अभी आपने बताया कैंपिंग किया आपने और बच्चों को जोड़ने का आप कह रहे हैं, कॉलेज स्कूल्स के बच्चे आएंगे करेंगे, अडल्ट्स के लिए भी यहाँ पर कैसे कैसे सुविधा जैसे कि पैराग्लाइडिंग है और क्या क्या है आप करवाते हैं? हम लोग यहाँ पर बेसिकली बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैंप चलाते हैं स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। जो कॉरपोरेट है, कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग टीम बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं। ये नॉर्मल ऑफ साइट प्रोग्राम्स होते हैं जो टीम बिल्डिंग प्रोग्राम, या कई बार जो कंपनीज को लैक करती है टीम, लीडरशिप कैंप, लीडरशिप कैंप जो कहते हैं वो करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं करने के लिए। हम लोग वीकेंड फैमिली कैंप्स लेते हैं जिसमें ट्रैक करवाते हैं यहाँ पर, या मड रेसेस करवाते हैं, या एडवेंचर रेसेस करवाते हैं। कुछ हम यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग आपको मैं दिखाऊंगा, वो पैरासेलिंग का हम एक आर्मी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, अब तक 18 बैचेस उसके हमने चलाई है। फिर जो हॉट एयर बलून हमारे पास है वो बलूनिंग का भी कोर्स हमें चलाते हैं। हाँ जी, एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए टीम बिल्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग। तो ये सब कलुप सामान्य नागरिक भी ले सकते हैं, सिविल्स? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारे सिविलियंस भी हमारे पास आके इन सब। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिविलियंस भी आपसे जुड़ते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज भी आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये सब टाइप आपने शुरुआत, पहला कौन सा था ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे जुड़ा, ज्यादा आर्मी थी? आर्मी है एक्चुअली, सबसे पहले आर्मी जुड़ी हमारे साथ, रामटेक का कैंप है आर्मी का, वही से वो जो कमठी वाला जो है सेटअप, वहाँ पर हमें एक पैरासेलिंग का सर्टिफिकेट कोर्स चलाने का मौका मिल गया। अब जब आर्मी आपका क्लाइंट है तो फिर आपको पता है कि बाकी क्लाइंट्स के लिए ज्यादा कोई पूछता नहीं, वो लोग उनके टाइप्स बहुत होते हैं कि वो सारी चीजें जुड़ जाते हैं, वो सारे रहते हैं, रेफरेंसेस रहते हैं। तो फिर सर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दिन में क्या क्या मतलब एक नॉर्मल फैमिली एंजॉय कर सकती है यहाँ पर? अगर आप आए दिन भर के लिए तो आप ट्रैक कर सकते हैं, आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, हमारे पास जो ये पेंट बॉल का सेटअप है आप पेंट बॉल शूटिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आर्चरी भी है, आर्चरी राइफल शूटिंग है, इवन हमने हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स है, गुलेल है हमारे पास, कंचे है, लगोरी है, लट्टू जो भोरा, हम लोग भारतीय संस्कृति को भी आपने उतना ही संजो के रखा, जोड़ के रखा है आजकल जो लेटेस्ट कल्चर भी जाता है। हाँ जी, पेंट बॉल के मार्कर्स है जो कि इससे ये भी बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है कि लोग इससे भी खेल, हाँ इससे खेलते हैं लोग, एक एरिना बनता है इसके, ये सारे इम्पोर्टेंट वेपन्स हैं, तो ये इसमें काफ़ी आजकल लोग इंटरेस्ट। तो फिर सर ये तो हो गया एक प्रकार से, तो आप सोशल लाइफ भी आपकी कैसे है, सोशल लाइफ भी आप करते हैं सोशली? सोशल एक्टिविटीज समाज का ऋण भी आप पर है, तो समाज को क्या आप ये जो जब हमने बताया कि ये सीएससी ऑलराउंडर का पूरा टीम जो है किसी ना किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है,
उसके साथ साथ हमारे पास एक इक्विपमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट है, जैसे कि ये रोप यहाँ पर जो रखी हुई है ये 2500 किलो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाली रोप है। अच्छा, ये जो कैरेबिनर्स है ये भी 2500-3000 किलो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है। तो बहुत बार हम लोग रेस्क्यूज के लिए हमें बुलाया जाता है जब डिजास्टर, हाँ जी, डिजास्टर जब होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कई बार पॉकेट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। स्विफ्ट वाटर रेस्क्यूज में हम लोग है, कई बार एनिमल रेस्क्यू, एनिमल रेस्क्यू भी उसका ही पार्ट है, बेसिकली एडवेंचर रेस्क्यू, कि जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है ऐसे जगह हम लोग जाके हमारा स्किल अप्लाई करते हैं। तो सरकार उस वक्त आपको कांटेक्ट करती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करती है कि आप कुछ हमें हेल्प करिए या फिर क्या होता है? जी हाँ, हमें कांटेक्ट किया जाता है ऐसे टाइम पे कि जैसे कहीं कुएं में एक बार टाइग्रेस गिर गई थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास तो उनका टीम था ही, पर वो उसको ट्रैंक्विलाइज करने के बाद उसको निकाल के बाहर कैसे लाएंगे, तो हमारा पूरा माउंटेनियरिंग का सेटअप यूज़ करके हम लोगों ने उनको मदद की थी। या एक बार जैसे बाढ़ के पानी में कुछ मंकीज़ जो थे वो ट्रैप हो गए थे, तब उनको उनके आगे तो क्वेश्चन मार था क्योंकि मंकीज़ को आप ऐसे पकड़ के नहीं ला सकते, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये राफ्ट बना का पुल बना के उनको हेल्प किया था। और टोटल जो कुछ वहाँ का प्लानिंग हो सारा वो आप करते हैं, स्ट्रेटेजी आप वहाँ पर करते हैं और फिर उनको रेस्क्यू करते हैं। हाँ, लीडर तो उनके लोग होते हैं क्योंकि वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है, तो उनके पास में कई मतलब इसमें एक्सपर्ट ऑफिसर है, वो जहाँ पर थोड़ा रिस्क है वहाँ पर आपसे कंसल्ट करते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, मतलब एक प्रकार से आप समाज को भी उतना ही मदद कर रहे हैं और समाज के प्रति भी आपका लगाव उतना ही है, इसलिए आप उतना सब कर पा रहे हैं। सर, आपका अभी फिर टोटल टीम कितना है यहाँ पर, कितने लोगों को आप डायरेक्ट और डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं? अभी हमारे पास जब पूरी तरह से हमारा कैंपसाइट ऑपरेशनल रहता है तो लगभग 50 लोग है जिनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता है, 50 लोगों का ये है, उसमें से 30-35 लोगों का हमारा फुल टाइम टीम है जो साल भर हम लोग साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी बात। और 15-20 लोग जो है वो सीजन में कैजुअल करके हमारे जुड़ जाते हैं, वक्त पर जुड़ जाते हैं। तो फिर भारत में किस किस जगह पर आप कैंप्स मतलब लगाते हैं, फिर ले जाते हैं, कैंपेनिंग कराते हैं? हम लोग ऑल इंडिया में कैंप करते हैं, हमारे पास में मनाली में भी ऐसा ही सेटअप है, कैंप सेटअप। मनाली में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप्स करवाते हैं, फिर लाहौल स्पीति वैली की हमारे पास कुछ बाइक ट्रिप्स और जीप सफारीज है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक संदकफू करके ट्रैक है, वो ट्रैक हम करवाते हैं। सिक्किम में थोड़ा सा हमारा काम है मैक्सिमम। तो अभी तक अनुमान तक कितने कैंप्स आप अपने इस सीएसी की तरफ से या फिर आयोजित कर चुके हैं, अंदाजा कोई आंकड़ा? इतने बहुत सारे कैंप्स हैं, मेबी मोर देन 5000 कैंप्स हमने अब तक किए। चलिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर एक आए दिन आपके कैंप्स होते रहते हैं और बहुत से परिवार आपसे जुड़ते रहते हैं, काफ़ी लोग। तो सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़े, पर सर एक बहुत वाइड एरिया है कवरेज का, जहाँ तक कह सकते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत स्कोप है, पर कई युवक युवतियाँ भी हो सकती हैं जो इस क्षेत्र को चुनना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपके परिवार ने चुना, आपकी टीम ने चुना और आप बहुत सक्सेस पा रहे हैं दुनिया में, कह सकते हैं पूरे भारत में हर जगह पर। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल के जरिए उनको एक क्या राहत क्या सीख देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ एक नसीहत अगर आप मैसेज देना चाहें तो। मैसेज देने के इतना तो बड़ा नहीं हूँ मैं, पर आप में ये हार्ड वर्क करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि वहाँ तक आप पहुँचने के लिए आपको ये चीज़ें लगेगी। जो नया स्किल है वो स्किल अक्वायर करने की आपकी तैयारी चाहिए, बदलते सिचुएशन के साथ खुद को ढालने की तैयारी चाहिए, और आपको डिटर्मिनेशन भी आपने थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि काफ़ी आपकी टेस्ट होती है जब आप कुछ नया करने जाते हैं। तो ये एक एडवेंचरस फील्ड है, इसके हिसाब से आपको खुद को ढालना आना चाहिए, समय के मुताबिक आप खुद को ढाल कर कंसिस्टेंट रहे, इस प्रकार से आप रहे, हर कठिनाई से उभरना आपको आना चाहिए और संयमित रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ये सारी और साफ जो है वही काम करिए, किसी को धोखा ना दे, यही चीज़ है। तो नेचुरल सी मीन्स वो तो आपको वैसे भी हैप्पीनेस के जो कॉन्सेप्ट है वही है कि आप अपना माइंड जो है वो किसी के भी बारे में बुरे विचारों से बचो, अपने दिल को बिल्कुल साफ रखो, तो बिल्कुल साफ बहुत अच्छी जी सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो, कम से कम लेने की कोशिश करो, तो वो ही कॉन्सेप्ट है जैसे हैप्पीनेस के, वही है। जरूर जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बिजनेस टॉक में आ रहे हो, आपने हमें समझ लिया है, थैंक यू। Thank you.
अच्छा, वो ये थे अमोल खंते जिनसे हमने जाना किस प्रकार से आप संयमित रख कर खुद को सच्ची राह पर जीकर साफ मन से अगर कोई भी काम करे तो जिंदगी में आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का।